टाटोल में भूखंड पर तोड़फोड़ और लगा दी आग, पुलिस की भूमिका पर सवाल। दबंगों के आगे शायद पुलिस प्रशासन नतमस्तक हैं, तभी तो लोग न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। कुछ ऐसा ही मामला राजसमंद जिले के नाथद्वारा थाना क्षेत्र में टाटोल गांव में सामने आया है, जहां पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। भूमि विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद आरोपियों की धमकियों से आहत पीड़ित ने नाथद्वारा थाने से लेकर एसपी तक गुहार लगाई, मगर न तो वो पुलिस में एफआईआर दर्ज की और न ही पीड़ित को सुरक्षा मिल पाई है। ऐसे में कतिपय आरोपी खुलेआम जेसीबी लेकर पहुंच गए और दीवारें तोड़ने टिनशेड तोड़ दिए और चारा व लकड़ियाँ भी आग के हवाले कर दी। पीड़ित चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दे डाली। पीड़ित ने नगरपालिका नाथद्वारा के साथ ही नाथद्वारा पुलिस थाने में भी सूचना दी। इस पर आधे घंटे की समयावधि में दमकल पहुंच गई, मगर पुलिस नहीं आई। ऐसे में आरोपी तोड़फोड़ करते रहे और काफ़ी देर बाद तक जब आरोपी मौके से भाग गए, तब कई घंटों बाद नाथद्वारा थाने से पुलिस मौके पर पहुँची। अब देखिए पीड़ित इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहता है। पुलिस के अनुसार टाटोल निवासी पुष्पेंद्र पुत्र हीरालाल सुथार की रिपोर्ट पर नाथद्वारा पुलिस ने टाटोल निवासी रामचंद्र पुत्र शंकरलाल सुथार, कैलाश पुत्र उदयलाल सुथार, बाबू पुत्र किशनलाल, विनोद उर्फ विष्णु पुत्र रामलाल और राजेश पुत्र मांगीलाल सुथार के खिलाफ वारदात होने के बाद 1 जनवरी को प्रकरण दर्ज किया गया। पीड़ित पुष्पेंद्र सुथार ने पुलिस थाने में 26 दिसंबर को ही रिपोर्ट दे दी थी, मगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और पुलिस पीड़ित की शिकायत को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप है। इस कारण आरोपियों ने भूमि विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद जबरन भूखंड पर कब्जा करने की नीयत से तोड़फोड़ कर आग लगा दी। बीच बचाव में आए पुष्पेंद्र सुथार के परिजनों के साथ मारपीट, धक्का मुक्की और महिलाओं के साथ छीना झपटी कर कपड़े फाड़ने के भी आरोप हैं। इस पर पुलिस ने तोड़फोड़, मारपीट, महिलाओं से बदसलूकी करने के आरोप पर प्रकरण दर्ज कर लिया। खास बात यह है कि तोड़फोड़ आगजनी के लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं, जो पुलिस को सौंप दिए गए हैं। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश फिलहाल शुरू कर दी है। इधर पीड़ित पुष्पेंद्र का परिवार अब भी डर व दहशत के साये में जीने को मजबूर है। अब देखिए पीड़ित पुष्पेंद्र इस मामले में क्या कुछ बोला। पुष्पेंद्र सुतार नाम है मारो। ये हमारा जमीन रो विवाद चल रो, जमीन रो कोर्ट में केस भी चल रो, बटारा बाद में भी माने ऊपर धमकियाँ लगवाई और अबरू काले आना आग लगा दी थी। घर पे आग भी लगा दी थी, गायें भैंसा बल गई झुलसगी और गायें प्यारा मैंने पंखा हा भी बल गया और ट्यूबवेल पाइप बल गई, केबल बल गया और खाकलू बल गई, 5-8 ट्रैक्टर लकड़ियाँ ही वे सब बल गई और खूब नुकसान पहुँचो अपने। और दीवाला धड़े दी थी, मकान उन्हें सको मकान धड़े दी दो अपने। मैंने जो भी सामान और रोटियाँ वोटियाँ सामान जो भी चूल्हा उल्ला सब बाल दीदा, ख़त्म कर दीदा और सामान भी सब फेंक दो। मैंने खाट वो भी तोड़ दिया, खूब नुकसान की दो आपने। पुलिस को अवगत कराया क्या इस मामले में? हाँ, पुलिस को अवगत भी कराया और फिर हमने फोन कराया भाई हमारे घर पे ऐसा हो रहा था। 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची और उसका वो कार्रवाई चल रही है। कौन है ये लोग? ये रामचंद्र जी सुथार टांटोल के है, अभी हाल में फिलवाड़ा रहते हैं। और एक है केला जी, पिता उदयला जी। तो किस कारण से ये सब उन्होंने किया है, क्या कारण है? वो बोल रहे हमारी जमीन है, जबकि हमारे पास में हमारे दादाजी के टाइम से हमारे पेलेंटियाँ भर रहे हैं और ये कब्जा हमारे पास है कम से कम ये 60-70 वर्ष से पहले से हमारे पास में कब्जा है। तो पट्टा वट्टा नहीं है कुल मिला? पंचायत का नीलामी पट्टा भी हमारे पास में है। अच्छा। और फिर भी उन्होंने इतना नुकसान पहुँचा दिया। पीड़ित पुष्पेंद्र सुतार ने असामाजिक तत्वों द्वारा कोर्ट में विचाराधीन मामले के भूखंड को खाली कराने के लिए आरोपियों द्वारा पहले से ही डराने धमकाने का आरोप लगाते हुए नाथद्वारा थाने के साथ एसपी को शिकायत की थी। पीड़ित ने बताया कि 26 दिसंबर को नाथद्वारा थाने में रिपोर्ट दी, जहां से कार्रवाई नहीं होने पर 27 दिसंबर को पीड़ित जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के पास पहुंचा,
लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। इसके चलते 1 जनवरी को आरोपियों ने जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे और तोड़फोड़ करते हुए बाड़े व मकान में आग लगा दी। इसके चलते बाड़े में बंधे कई मवेशी भी झुलस गए। इससे पीड़ित ने परिवार को करीब 17 से 18 लाख रुपए का नुकसान होना बताया है। इस घटनाक्रम के बाद आखिर नाथद्वारा पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन अब भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब भी पुलिस निष्पक्ष जांच कर पाएगी और क्या आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और पीड़ित को न्याय मिल पाएगा। यह सवाल हर किसी के जहन में खड़ा है। हालांकि पुलिस कितनी कार्रवाई करती है और पीड़ित को कितनी राहत मिल पाती है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखते रहिए जयवर्धन न्यूज़। धन्यवाद।